तो नरेंद्र मोदी जी भी नौजवान को कहते हैं कि पकोड़े बेचना भी एक रोजगार है। जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कचरे बेचने में बहुत ज़्यादा फायदा है। पढ़े लिखे नौजवानों को इस किस्म की एडवाइस देकर जले पे नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी सरकार पर जमकर बरसे पैंथर्स पार्टी के नेता पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह। ये जो बीजेपी सरकार है ये बहुत ही दुखी कर चुकी है हमारे युवाओं को, तो आज हमने हर्षदेव जी का दामन थामा है। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह की बात करें तो आज उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधमपुर का युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधमपुर का युवा जिंदाबाद। हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो। हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तस्वीरें हमने कुछ आपको दिखाई हैं और ये जो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से पैंथर्स पार्टी का युवाओं ने दामन थामा, लेकिन इस मौके पर हर्षदेव सिंह जो हैं वो भाजपा पर वार करते हुए नजर आए। क्या कहा हर्षदेव सिंह ने ये हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इसी के साथ ये युवा आज पैंथर्स पार्टी में शामिल हुए हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट। लगभग 67 नौजवानों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इन नौजवानों का अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। नौजवानों का भरोसा पैंथर्स पार्टी में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है नौजवानों के साथ। बड़े बड़े वादे किए इलेक्शन के दौरान, बड़े बड़े सुनहरी सपने दिखाए, 2-2 करोड़ नौकरी देने की बातें की और उसके बाद नौजवानों को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। नौजवानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही आज की तारीख में। पिछले दिनों जो 12th के बाद कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे नौजवान, उनको भी ये कहा गया कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए दूसरी स्टेटों में जाना पड़ेगा। बहुत अजीबोगरीब फैसला था, हमने इसका डटकर विरोध किया और नौजवानों के साथ खड़े रहे। और इन नौजवानों को हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी शाना बशाना आपके साथ है, साथ खड़ी है। और जितनी जातियां की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, आने वाले वक्त में इनके नेताओं को कटघरे में खड़ा करेगी पैंथर्स पार्टी। जिस तरीके से रोजगार के नाम पर इनके साथ एक खिलवाड़ हुआ,
एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर खिलवाड़ हुआ, बड़े बड़े वादे किए गए और उन वादों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिसड़ी साबित हुई है। नौजवान अगर आप देखिए तो हर चौक के ऊपर आपको नौजवान आज जम्मू में धरने के ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि नौजवानों से जो कहा गया था, जो उनके साथ प्रॉमिसेस किए थे, उनमें से किसी भी वादे के ऊपर ये लोग खरे नहीं उतर पाए हैं। और अब जब इनको पूछा जाता है कि आपने वादे किए थे, तो नरेंद्र मोदी जी भी नौजवानों को कहते हैं कि पकोड़े बेचना भी एक रोज़गार है। जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कचरे बेचने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पढ़े लिखे नौजवानों को इस किस्म की एडवाइस देकर जले पे नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर एक भारी रोष है, एक भारी गुस्सा है और आए दिन नौजवान पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई को लड़ेंगे और इनको इंसाफ दिलाने के लिए पैंथर्स पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम इनको भरोसा दिलाना चाहते हैं। और इनका खैर मकदम करते हुए, इनका वेलकम करते हुए हम कहेंगे कि पैंथर्स पार्टी की इस मुहिम में शामिल हो जाइए, ताकि एक एक करके जो जो इन्होंने वादा खिलाफी हमारे साथ की है, नौजवानों के साथ की है, उसका आने वाले वक्त में बदला लेने के लिए तैयार हो जाएं। जी, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैंने अपने साथियों के साथ आज पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। तो हमने देखा कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये बहुत ही दुखी कर चुकी है हमारे युवाओं को। तो आज हमने हर्षदेव जी का दामन थामा है। तो आज हम पैंथर्स पार्टी के साथ चलेंगे पूरे जोर और होश के साथ। आज हम पैंथर्स पार्टी के साथ चल रहे हैं। तो आज हमने ज्वाइन किया पैंथर्स पार्टी को।